मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूँ चौधरी मोहन गुजर और आज फिर आप लोगों के बीच आया हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ, साथ ही जिला प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित कराना चाह रहा हूँ। बीते लंबे समय से देखा है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मकड़ाई एक्सप्रेस संपादक मतलब मेरे नाम से, मोहन गुजर के नाम से, तरह तरह विभागों में झूठी शिकायतें की जा रही है। शिकायत विभाग के अधिकारियों की होती है और कोई भी अज्ञात शख्स आता है जिला कलेक्टर कार्यालय में 16 नंबर जो आवक जावक है वहाँ पर जाता है, उस शिकायत की कॉपी देता है और चला जाता है। तो ऐसी लगातार शिकायतों की काफ़ी और शिकायतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं मकड़ाई एक्सप्रेस 24 जो कि निडर निष्पक्ष होकर अपनी बात विभागी के साथ शासन प्रशासन के सामने रखता आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लगातार किया जा रहा है। पूर्व में भी एक शिकायत हुई थी और उस शिकायत के उत्तर में मकड़ाई एक्सप्रेस की ओर से जिलाधीश महोदय को एक आवेदन दिया गया था, साथ ही मांग की गई थी कि यह अज्ञात शख्स कौन है जो बार बार हमारे नाम का दुरुपयोग करके हमारी छवि धूमिल कर रहा है। पिछले एक साल में लगातार 2 से 3 शिकायतें इस प्रकार की सामने आई। अज्ञात व्यक्ति जिलाधीश महोदय, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, आईजी, मतलब हर जगह पत्र व्यवहार करता है, शिकायत की कॉपी देकर जाता है और उसमें नाम मोहन गुजर का आता है, नीचे मोबाइल नंबर लिखा रहता है। तो इस प्रकार लगातार जो शिकायतें हो रही है उससे कहीं ना कहीं हमारी छवि तो धूमिल हो ही रही है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं जिलाधीश महोदय का और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि लगातार जो शिकायतें हो रही है और अज्ञात व्यक्ति शिकायत कर रहा है, इस मामले में जो आवक जावक में जो शिकायतें आती हैं, सबसे पहले तो आवक जावक की शिकायतों पर संबंधित व्यक्ति से आधार कार्ड लिया जाए, शिकायत पत्र के साथ आधार कार्ड लिया जाए और उसके बाद में जिस विभाग की ये शिकायत है उस विभाग से बाकायदा उस शिकायतकर्ता को फ़ोन करके बुलाया जाए, उसके कथन लिए जाए और कथन लेने के बाद में ही आगे की जो कार्रवाई है, जो संबंधित पार्टी है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इससे दो चीज़ों का फायदा होगा, एक तो शासन प्रशासन की जो अधिकारी है उनका कीमती समय बचेगा, दूसरी ओर मुझ जैसे और भी लोग हैं जिनके नाम का उपयोग करके प्रशासन मतलब अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायत की जाती है तो उनका समय भी बचेगा। अब होता ऐसा है कि बिना मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाता है और एक आवेदन देकर आता है, शिकायत कर देता है, नीचे नाम लिखकर आ जाता है और ऐसे मामले में शासन के जो अधिकारी हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग करना चाहूँगा, अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कहीं पर भी किसी भी विभाग में अगर कोई शिकायत आती है तो शिकायत के साथ में संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड लिया जाए, ताकि वह शिकायत में कितनी सच्चाई है उसकी जानकारी लग सके और इसके साथ ही जब जिस विभाग की वह शिकायत है उस विभाग में शिकायत जाती है तो सबसे पहले उस शिकायतकर्ता को फोन करके उसके कथन लिए जाए और उसके बाद में ही सामने पार्टी जिसके अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसकी जाँच की जाए। तो दो चीज़ों का फायदा होगा, साथ ही प्रशासन का कीमती समय बचेगा और साथ ही हमारे जैसे जमीन से जुड़े कार्यकर्ता जो लगातार लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, उन लोगों के नाम का जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं वह दुरुपयोग नहीं करेंगे, हमारी जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।